Dear students, assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing well. Well, today we will continue the lesson about Delhi Sultans, and our today's topic is about the administration and consolidation of Delhi Sultanate under the Khaljis and Tughlaqs. Let's have a look on it. The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service, called Bandagan in Persian. Delhi Sultanate को मजबूत बनाने के लिए और administration को ठीक तरह से चलाने के लिए अच्छे administrators की ज़रूरत थी, जो जिन पर बादशाह का एतिमाद हो. लेकिन जो दिल्ली के सुल्तान थे, इस काम के लिए उन्होंने ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ये जो बड़े बड़े लोग थे, उनको अपॉइंट करने के बजाय, सरदारों को अपॉइंट करने के बजाय, उन्होंने अपने उनके अपने गुलाम थे, उन्होंने उन गुलामों को, अपने गुलामों को जिनको फारसी में बंदगान कहते थे, उनको गवर्नर बनाया, उनको सरदार बनाया, उनको बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया, क्योंकि वो उनके ट्रस्टवर्दी थे, उन पे भरोसा करते थे. दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम. ये जो उनके बंदगान थे, ये गुलाम थे, इनको एक ख़ास तरीके से इनको तरबियत दी गई कि वो सल्तनत का और एडमिनिस्ट्रेशन का नज़्म व नस्क काम किस तरह से करें. इसके लिए इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, इनको सिखाया गया और फिर इनको बड़े बड़े ओहदों पर अपॉइंट किया. सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मास्टर, द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम. इन पे बादशाह को इसलिए ज़्यादा भरोसा था क्योंकि वो होली एंड सोली डिपेंडेंट थे सुल्तान पर ही, क्योंकि वो सुल्तान के गुलाम थे और वो उसके वफादार थे. वो उनका अपना कोई अलग से कोई खानदान, घराना घराना वगैरह नहीं था, वो सुल्तान के साथ ही थे और सुल्तान उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता था. वो भी उसी पे मुनासिब था, उनका दारोमदार चूँकि सुल्तान पे ही था, इसलिए सुल्तान ने उन पे पूरा भरोसा किया. वो उसके लिए ट्रस्टवर्दी थे, इसलिए इनको बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कर दिया. द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगान एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ who were often their clients to high political positions. इस सिलसिले में जो खलजी ख़ानदान के सुल्तान थे या तुगलक्स थे, उन्होंने इस अमल को जारी रखा. वो अपने गुलामों को और जो उनके क्लाइंट्स थे, उनके जो डिपेंडेंट लोग थे उन पे, उनको बड़े बड़े ओहदों पर उन्होंने फाइज कर दिया, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोजीशंस पे उनको फाइज कर दिया, बड़े बड़े उनको ओहदे दिए. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स. कुछ लोगों को उनमें से गवर्नर बनाया, कुछ को पूजी जनरल बनाया, बड़े बड़े ऑफिसर बनाया. हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अगरचे ये लोग बादशाह के, सुल्तान के वफादार थे, लेकिन इससे कुछ सियासी इंस्टेबिलिटी भी पैदा हो गई, कुछ इसमें खलल भी वाक़ा हो गया, सियासी असरात भी इस पे पड़े हुकूमत पे. क्यों? क्योंकि ये जो स्लेव्स थे, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वेर लॉयल टू दियर मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स बट नॉट टू दियर हीयर्स. क्योंकि ये जो स्लेव थे, ये जो गुलाम थे, ये सिर्फ अपने आका के, अपने जो इनका मालिक होता था बादशाह, ये उसी के वफादार होते थे. बादशाह के बाद जो उसके वारिस होते थे, उनसे ये उतनी वफादारी नहीं करते थे, उन मतलब उनके साथ उसका उनका इतना ताल्लुक नहीं था.
इसलिए जब नया सुल्तान बनता था वो अपने बंदगान को, अपने गुलामों को बड़े बड़े ओहदों पर फाइज करता था, पुराने जो हुआ करते थे उनको वो वहाँ से हटा देता था। न्यू सुल्तान्स हायर देयर ओन सर्वेंट्स, नए जो सुल्तान बनते थे उनको अपने नौकर चाकर होते थे, अपने गुलाम होते थे। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। इस तरह से जब नया बादशाह बनता था तो ये जो नोबल्स थे, ये जो बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े चीफटैंस थे, जनरल थे, उनको तब्दील किया जाता था, पुराने लोगों को हटाया जाता था और बादशाह उनकी जगह अपने वफादार लोगों को उन ओहदों पर फाइज कर देता था। तो इस तरह से एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती थी पुराने लोगों के दरमियान और नए लोगों के दरमियान। द पैट्रनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाई द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलिट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख क्रिटिसाइज्ड द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस। ये जो सुल्तान थे, ये जो बादशाह थे, ये इनकी जो सरपरस्ती थी इन गुलामों की, इनके इस तरीके कार ने बहुत जो एलिट्स थे, बड़े बड़े खानदानों के जो लोग थे, सरदार वगैरह थे, इज्जतदार लोग थे, उनको शॉक किया। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी बादशाह की कि ये छोटे लोगों को, गुलामों को बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया जाए और जो बड़े लोग थे उनको नज़रअंदाज किया जाए। ये चीज़ जो वहाँ के उमरा थे उनको ये बात बादशाह की पसंद नहीं आई। इस तरह से एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गई, उनकी नाराज़गी हो गई बादशाह के साथ। फारसी के जो तवारीख दान हैं उन्होंने बादशाह दिल्ली सुल्तानों की इस हरकत को, इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया है, क्यों वो कहते हैं कि बादशाह ने जो छोटी जाति के लोगों को या मामूली किस्म के लोगों को या जो इनके गुलाम थे या नौकर थे उनको बड़े बड़े ओहदों पर फाइज करके बादशाहों ने गलती की है, गलत पॉलिसी अख्तियार की है। तो तवारीख दानों ने बादशाहों की इस पॉलिसी की क्रिटिसाइज़ की है, हालांकि बादशाहों ने ये काम अपने फ़ायदे के लिए किया है और वो वक्ती तौर पर कामयाब भी रहे हैं उसमें। इसकी एक मिसाल ये है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो था उसने बहुत से काम गरीब लोगों को जो उसके डिपेंडेंट थे या उसके जो हम्बल बिगिनिंग जिन लोगों की थी उनको बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया। मसलन सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमार ए वाइन डिस्टलर, फेरोज हजाम ए बारबर, मन का तब्बाह ए कुक एंड टू गार्डनर्स लड्ढा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स। इन लोगों को बादशाह, ये जो मामूली लोग थे, कोई हजाम था, कोई डिस्टिलर था शराब पिलाने वाला बादशाह को, या कोई ये तबाख था यानी कुक वगैरह, तो ऐसे लोगों को बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर उन्होंने अपॉइंट किया। ज़ियाउद्दीन बरनी जो एक क्रॉनिकलर है मिड 14th सेंचुरी का, वो लिखते हैं कि दियर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। वो लिखते हैं कि ये बादशाह की जो है उनका जो पॉलिटिकल विजन था उस वो अच्छा नहीं था और बादशाह के जो हुकूमत करने का जो उसकी कैपेसिटी थी ये उसकी बादशाह की कमज़ोरियों को जाहिर करता था कि बादशाह कमज़ोर था, उसको पॉलिटिकल विल नहीं थी, वो इनकैपेबल था हुकूमत की जो पॉलिसी थी, हुकूमत की को की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसको डील करने में, उसको चलाने में बादशाह नाकाम रहा था। तो ये राय दी है इन तवारीख दानों ने, इस तरह से इन्होंने बादशाह के साथ डिसएग्री किया है या उसको क्रिटिसाइज़ किया है उनकी इस पॉलिसी की वजह से। वेल लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खलजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। दीज लैंड्स वेर कॉल्ड इकता एंड दियर होल्डर वाज कॉल्ड इकतादार और मुक्ति। ये जो सुल्तान थे दिल्ली के, खलजी सुल्तान थे या तुगलक सुल्तान थे, इन्होंने बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर बना दिया और उनको बहुत बड़ी जागीरें दे दी
बड़े बड़े उनको जागीर दिए, इलाके दिए। तो इनको इन मुख्त ये जो जागीरदार थे, इनको ये गवर्नर बनाए, इनको इक्तादार कहते थे या मुक्ति कहा करते थे। उनकी ड्यूटी क्या क्या थी? द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। ये इलाके जो इनको दिए गए थे, ये जागीरें जो इनको दी गई थी, इनका काम था कि इन अपने इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और मिलिट्री कैंपेन्स जो हुआ करती थी, फौजी मुहिमें, उन उनको लीड करें। इक्तादार का ये काम होता था कि अपने इलाके में फौजी मुहिमों की, मिलिट्री कैंपेन्स की लीड करें। तो इसके बदले में बादशाह इनको क्या देता था? इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरीज। तो ये जो सर्विस करते थे ये लोग बादशाह की, फौजी मिलिट्री सर्विस करते थे, इसके बदले में ये मुक्ति जो थे कलेक्ट करते थे रेवेन्यू इन इलाकों से, जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इसी से इनको सैलरीज दी, अपने लिए भी सैलरी ये इसमें से लेते थे, और इनकी जो फौज हुआ करती थी, अपनी फौजी, उनको भी इसी में से सैलरी देते थे। दे ऑल्सो पेड दियर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। सो कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वायर असाइनड टू असाइनड इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बींग शिफ्टेड। इन मुक्तीज को कंट्रोल करने का एक तरीका यह था कि इनका ऑफिस जो था, मुक्ति का ऑफिस, इट वॉज नॉट इनहेरिटेबल। ये बस उसी वक्त तक मुक्ति थे जब तक बादशाह इनको चाहे, बाद में इनको बादशाह हटा भी सकता था, और जब वो इनको हटाता था तो उसके बाद बादशाह जिसको चाहता था और किसी को मुक्ति बना सकता था। ये नहीं था कि एक मुक्ति जब जब मर जाए तो उसके बाद उसका बेटा मुक्ति बन जाए। नो नो नो, दैट वॉज नॉट द केस हियर। ये इनहेरिटेबल, इन्होंने ये पोस्ट नहीं रखा था। तो ये इनको कंट्रोल करने का और इफेक्टिव बनाने का एक अहम तरीका था कि किसी शॉर्ट पीरियड के बाद इनको शिफ्ट भी किया जा सकता था, हटाया भी जा सकता था। दीज हॉर्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वेयर रिगोरसली इम्पोज ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। इन दो बादशाहों ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने, ये पॉलिसी जो थी अपने बादशाहत में, अपने ज़माने में, इसको बहुत स्ट्रिक्टली इसको इम्पोज किया। इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया, अकाउंटेंट्स वायर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। ये जो मुक्ति रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, इसके लिए गवर्नमेंट ने, स्टेट ने अपॉइंट किए, उन्होंने अकाउंटेंट अपॉइंट किया ताकि वो हिसाब किताब रखे कि ये जो मुक्ति है ये कितना रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और ये एंश्योर किया गया कि ये इतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करे जितना इसको स्टेट ने हुक्म दिया है, इख्तियार दिया है, उससे ज़्यादा ना करे। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। एक तो ये एंश्योर किया गया कि ये उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करे जितना स्टेट ने इसको कहा है, दूसरा ये कि वो इतने ही फौजी रखे, नंबर ऑफ सोल्जर्स, जितना इसको बादशाह की इजाज़त होगी, उससे ज़्यादा फौज भी ना रख सके। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल दे फोर्स्ड द लैंड चीफटेन्स द सामंता एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंड लॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। बादशाह ने जो इर्द गिर्द के इलाकों की ये ज़मीन जो थी अपने कंट्रोल में जब उन्होंने लाई, तो वहाँ के जो सामंतादार थे और वहाँ के जो उमरा थे, बाकी लैंडलॉर्ड्स थे, उनको अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने पर उन्होंने मजबूर किया, उनको अपनी मातहत उन्होंने बना लिया बादशाह ने। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफटेन्स टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। ये जो लोकल चीफटेन्स थे, सरदार थे, उनको बादशाह ने
हुकुम दिया कि आप कोई टैक्स वैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे, उनको वो टैक्स नहीं कलेक्ट कलेक्ट कर सकते थे, बल्कि उनका वो जो इख्तियार था वो कैंसिल कर दिया, और उनको ये हुक्म दिया कि उन इनसे भी टैक्स ले लिया जाए। और इस तरह से ये जो सरदार थे, उमरा थे, इनसे भी हुकूमत टैक्स लेती थी। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ टेंड्स टू लेवी टैक्सेस वेयर कैंसल्ड एंड दे वेयर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। ये जो ज़मीन थी इसको मेजरमेंट किया गया और उससे जो उसका हिसाब किताब रखा गया कि ज़मीन कितनी है और उससे रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया जा सकता है। सम ऑफ द ओल्ड चीफ टेंस एंड लैंड लॉर्ड्स सर्व्ड द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एसेसर्स। जो कुछ पुराने सरदार हुआ करते थे या पुराने जागीरदार थे, उनको बादशाह ने अपॉइंट किया, उनको अकाउंटेंट्स बनाया और उनको ये हुक्म दिया कि आप ज़मीन की मेजरमेंट करें और रेवेन्यू कलेक्शन की आप उसका हिसाब किताब रखें या उसकी असेसमेंट करें कि कितना रेवेन्यू किस इलाके से कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस तीन तरह के होते थे। नंबर वन ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज, खराज वाज अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। एक तो जो फसल होती थी, कल्टीवेशन होती थी, उस पे टैक्स लिया जाता था, उसको खराज कहते थे। ये 50% तक लिया जाता था प्रोड्यूस का, जितनी फसल होती थी उसका 50% खराज लिया जाता था, बादशाह लेता था खराज एज टैक्स। तो दूसरा था जो कैटल थे, मवेशी थे, उन पे टैक्स लिया जाता था। और तीसरा था मकानात, हाउसेस, उन पे भी टैक्स लिया जाता था। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेंट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तनत। एक अहम पॉइंट ये भी बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी और इसमें भी, कि जो दूर दराज के इलाके थे सब कॉन्टिनेंट के, जो दिल्ली से बाहर थे, उन पे कंट्रोल करना, उन बड़े बड़े इलाकों पे कंट्रोल करना दिल्ली सल्तनत के लिए मुश्किल था। दैट वॉज डिफिकल्ट। अहम था ये, इम्पॉर्टेंट, मतलब इनको कंट्रोल करना जो था दिल्ली सल्तनत के लिए। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। जो बंगाल का इलाका था दूर दराज का, तो इस पे कंट्रोल करना सल्तनत के लिए मुश्किल था दिल्ली से। इसी तरह से जो दक्कन के इलाके थे, साउदर्न इंडिया के, उनको जब एनेक्स किया दिल्ली सल्तनत ने अपने साथ, एनेक्सेशन के फौरन बाद उन्होंने अपनी, दे बिकेम इंडिपेंडेंट अगेन, क्योंकि उनको कंट्रोल करना जो था बाद में वो मुश्किल था। इवन इन द गैंगेटिक प्लान देयर वेयर फॉरेस्टेड एरियाज दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। ये जो गैंगेटिक प्रोविंस था, गैंगेटिक प्लेन्स जो थे, गंगा का इलाका, वहाँ जंगलात थे, फॉरेस्ट थे, तो सुल्तान की फौजें जो थी उन इलाकों के अंदर तक नहीं घुस सकती थी, नहीं जा सकती थी। तो वहाँ के जो लोकल चीफ टेनर्स थे, लोकल चीफ टेनर्स एस्टेब्लिश दियर रूल इन दीज रीजन्स। इन इलाकों में वहाँ के मुकामी सरदारों ने अपनी हुकूमत बनाई, अपनी ये छोटी छोटी रियासतें कायम की। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। इन इलाकों पे दिल्ली सल्तनत कभी कुहार कंट्रोल कर भी लेती थी, लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होता था। तो आज के लिए ये इतना ही था आपके लिए। तो अब एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर द मुक्तीज परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज। आई होप यू मे बी नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, टू एंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली अकाउंटेंट्स वायर अपॉइंटेड बाई द स्टेट टू द टू एंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली अकाउंटेंट्स वायर अपॉइंटेड
by the state. Care was taken that Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. Well, that was all for today. And tomorrow we will continue in our next class about the Mongol threats and their impact on the Delhi Sultanate. So thank you very much.